अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे परफेक्ट सी रोटी, वो भी बगैर बेलने के और बगैर चिमटे के यूज से। ये बहुत इजीली बन जाती है और हेल्थ वाइज आम रोटी जो कि आग पर डायरेक्ट सेकी जाए उससे ज़्यादा बेहतर होती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। हम यहाँ आपको बगैर बेलने के रोटी बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए आप लेंगे एक पेड़ा। पेड़ा आप इतना लें जितना एक हैंडफुल ऑफ आटा, यानी एक हाथ जितना आपने आटा लेना है। आटा आपका थोड़ा सा पतला होना चाहिए, सख्त आटे की बहुत मुश्किल हो जाती है। देन आपने पेड़े को लेके इस तरह प्रेस करना है जैसे हम प्रेस कर रहे हैं। इसमें हुशका भी कम लगता है, हुशका आटा इसमें बहुत कम लगता है। और फिर आपने इसके एजिस को प्रेस करके बारीक करना है और इसका जो मीट वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा मोटा रखेंगे। और इस तरह जैसे आपको दिखाया गया है आपने रोटी को थपकना है ताकि ये बड़ी हो जाए। इस तरह आपने थोड़ा जल्दी जल्दी, और क्योंकि आटा थोड़ा पतला होता है अगर आप इसमें टाइम लगाएंगे तो फिर रोटी सही नहीं बनेगी। इसको आप हाथ की मदद से भी थोड़ा थोड़ा सा खींच सकते हैं और ये देखिए एक परफेक्ट सी रोटी बन गई है। अब हमने क्या करना है, तवे को गर्म करना है और इसको इसके ऊपर रोटी को डाल देना है और इसको वेट करना है जब तक के, और वेट करना है ताकि इसकी एक साइड जो है वो पक जाए। देन हम इसको पलटेंगे। इससे पहले अगर हम पलट लेंगे तो क्या होगा कि रोटी टूट जाएगी। अब ये देखिए इसने कलर चेंज कर लिया है, अब हम इसको पलट लेंगे। हम हाथों की मदद से पलट रहे हैं, आप ये देख लीजिए बिल्कुल किनारे से पकड़ना है और पलट लेना है इस तरीके से। अगर आपके पास चिमटा मौजूद नहीं भी है तो आप इसको सेक सकते हैं। पुराने ज़माने में चिमटा और बेलन के बगैर ही रोटी पकाई जाती थी, बहुत परफेक्ट सी रोटी होती थी। क्योंकि गंदम को भी पकना होता है, अगर हम इसको फौरन आग पे सेक लेंगे तो क्या होगा कि ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और इसका जो है इसकी फादियत बहुत नहीं रहेगी। आजकल जो स्टोमिक में भी पेन रहता है और काफ़ी लोगों को इश्यूज रहते हैं, उसकी रीज़न ये भी होती है कि रोटी सही तरीके की पकी हुई नहीं होती। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे और बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करेंगे तो आई होप सो कि आप परफेक्ट सी रोटी जो है वो बनाना सीख लेंगे। अब ये देखिए एक साइड को पकने में कितना टाइम लगा है। देन हम इसको पलटेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि रोटी अब दोनों साइड से पक चुकी है, किसी साइड से भी कच्ची नहीं है। अब क्या करेंगे, हम कोई भी कपड़ा या कोई रुमाल ले लीजिए साफ़ सुथरा सा, उससे आपने इसको प्रेस करना है। इस तरह आपको चिमटे की ज़रूरत नहीं होती और अगर आप चाहें तो आप इसको आग पे भी सेक सकते हैं। इस तरह रोटी ना कच्ची रहती है ना जलती है, बहुत परफेक्ट सी बन जाती है क्योंकि आपकी पूरी जो कंसंट्रेशन होती है वो रोटी के ऊपर ही होती है। और ये देखिए कितनी अच्छी सी एक इसकी लुक आई है और ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट सी रोटी एक रेडी हो गई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप इस तरह रोटी बनाना शुरू हो जाएँ तो बगैर बेलन के आपको ज़्यादा ईजीली और बगैर चिमटे के ज़्यादा ईजीली रोटी पकानी आ जाएगी। और ये देखिए इस तरह हमारी रोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको उतार के भी आपको दिखा देते हैं कि ये कितनी अच्छी बनी है। ये देख लीजिए बिल्कुल एक परफेक्ट सी रोटी बन चुकी है। ना हमने इसको बनाने के लिए बेलन यूज़ किया, ना हमने कोई भी चिमटा यूज़ किया, बहुत अच्छी बनी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपका आटा गूंदने का दिल नहीं है तो आप हमारे चैनल में बगैर आटा गूंदे पराठे कैसे बनाए जाते हैं वो भी देख सकते हैं। और ये देखिए कितनी परफेक्ट सी बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए कुक यम्स। अल्लाह हाफिज़।